हंस प्रोडक्शन को थोड़ी हंस प्रोडक्शन बने तले जो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का आज मुहूर्त किया, मुहूर्त करके शूटिंग किया जा रहा है और बड़े लेवल पर मुहूर्त किया गया। हम लोग आए, अच्छा लगा, ढेर सारी शुभकामना, बेस्ट विशेज। ओके, हंस प्रोडक्शन की तरफ से मैं इनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज ये मल्टी स्टार मूवी है। फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो भी है उनको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, और हमारे राजू शुक्ला जी को और मेरे जो भी मित्र है जैसे धीरज परमन सिंह जी, उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मल्टी भोजपुरी फिल्म सिटी के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन। हाँ, फिल्म का जो ये आज ये है मुहूर्त शॉट है हमसे बढ़कर कौन, इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स आए हैं भोजपुरी के, उनको भी फिल्म स्टार जो भी स्टार जो है उनको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजू जी, आप क्या कहेंगे, सर आए हैं आपके? हमारे मित्र हैं आनंद भाई जी, समझे, ये सबसे अच्छे दोस्त हमारे, हर सुख दुख में आते रहते हैं। और प्लस इतनी अच्छी पिक्चर बन रही है, हमारी सबसे बड़ी पिक्चर हमसे बढ़कर कौन, आज भोजपुरी की सबसे बड़ी पिक्चर, सबसे मल्टी स्टार इसके अंदर है, क्योंकि 7 हीरोइन है, 4 विलेन है, 1 हीरो है। इतनी बड़ी पिक्चर आई थिंक भोजपुरी पिक्चर में, भोजपुरी सिनेमा में पहली बार बन रही है, और आज उसका मुहूर्त इतने धूमधाम से हो रहा है। मैं चाहता हूँ दर्शकों से यही उम्मीद है, इस पिक्चर को देखे और इस पिक्चर से एक अलग सीख मिलेगी। इसमें हर एक हीरोइन है, 6 हीरोइन है, 6 हीरोइन अपने आप में एक हमसे बढ़कर कौन है, कौन किससे है वह मालूम, इस बारे में मालूम पड़ेगा। और आज मुहूर्त था इसलिए सब लोग जमा हुए हैं। फिल्म को निर्देशन कर रहे हैं इकबाल बंजी का। इकबाल जी की ये पहली पिक्चर तो नहीं, इससे पहले उनकी रावड़ी रानी थी, मेरे साथी पिक्चर थी, सबसे अच्छा आज तक उनका धूम चल रहा है। पिक्चर रिलीज नहीं हुआ उससे पहले सबके जुबान पर रावड़ी रानी है। इकबाल बख्श का टेक्निकल इतना अच्छा है पूछो ही मत, सबसे अच्छा। और इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं हमारे मित्र धीरज सिंह और हमारे मुन्नालाल शाह हैं। मधु जी, आज हमसे बढ़कर कौन फिल्म का हो रहा है शूटिंग और इसमें भव्य लेवल पर मुहूर्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं धीरज भैया और मुन्ना लाल साहब, दोनों जन को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे मित्र जो कि हमारे राउडी रानी के भी कार्यकारी निर्माता हैं और इस फिल्म में भी कार्यकारी निर्माता हैं, तो इनको भी मेरा धन्यवाद है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि तो अभी शुरुआत है, आगे की बहुत लड़ाई बाकी है, तो आप देखते ही जा रहे हैं कि कैसे कितने बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसके बाद भी हमारी 2 फिल्में और आ रही हैं, तो देखते हैं। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से ये कह कि बस पिक्चर देखिए, मज़ा लूटिए, और क्या बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। दर्शक तो हम तो दर्शकों का दिल बहलाने के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा और साफ सुथरी और एक अच्छी मूवी दी। फिल्म के निर्देशक इकबाल जी हैं, तो राउडी रानी के बाद फिर एक बार आपके साथ। इकबाल जी के साथ तो काम करने का मज़ा ही कुछ और है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक नंबर के टेक्नीशियन हैं और उनके जैसा मेरे को लग रहा है भोजपुरी में शायद ही कोई ऐसा डायरेक्टर है कि जो उनके उस लेवल पे, जो जिस लेवल पे वो काम करते हैं उस वो लेवल ही उनका अलग है। आपकी पहली फिल्म राउडी रानी 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस वो भगवान का आशीर्वाद चाहिए, पिक्चर तो 5 सितंबर को बिहार में रिलीज होने जा रही है, तो कोशिश है, जनता देखेगी, देखते हैं उनके रिप्लाई पे। राजू जी, आप क्या कहेंगे, रावड़ी रानी 5 तारीख को रिलीज होने जा रही है? रावड़ी रानी 5 तारीख को रिलीज हो रहा है, अब इतने भव्य से रिलीज होने से पहले ही चारों तरफ धूमधाम लगा है, हर के जबान पे यही है रावड़ी रानी कब रिलीज हो रहा है, चारों तरफ फोन आ रहा है, कहाँ कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है कि बस ये। और इस पिक्चर का भी न्यू रखने वाले हमारे मधु जी हैं, स्टार्टिंग पिक्चर का जो शुरुआत हुआ सबको मधु जी है इस पिक्चर के। नहीं, हमारे बड़े भैया नहीं रहते ना, तो इस पिक्चर का न्यू नहीं रखा जाता। मैंने आपको क्या बोला, ये हमारे बड़े भैया जो हैं इन्हीं की वजह से इस पिक्चर की न्यू। श्रेय भाई साहब का हमारा है, हमारे ऊपर में, ये हम सब एक टीम है, ये राउडी हमारी 5 जन की टीम है, और 5 जन ये पिक्चर कोई किसी हम सबकी एक है, और हमेशा हमारी एकता, हम जो पिक्चर बनाएंगे हम 5 एक में रहेंगे, एकता, हम लोग संगठन बना हुआ है, क्योंकि हमको भोजपुरी में बहुत कुछ करना है अभी, ये तो हमारी अभी एक, ये तो वो कहते हैं ना, ये तो झांकी है, और क्या बोलते भैया, बोले कुछ बोले डाला है। बात करेंगे आज फिल्म हमसे बढ़कर कौन का हो रहा है मुहूर्त करके शूटिंग किया जा रहा है बड़े पैमाने में,
अलग। हाँ, मेरा जो गेटअप है वो काफी डिफरेंट है इस फिल्म में। मैं पहली बार ये करेक्टर करने वाली हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी मतलब गुंडी कह सकते हैं कि गुंडी है, और अलग ही करेक्टर, टॉम बॉय कलर जो है, टॉम बॉय टाइप जो होती हैं लड़कियाँ, उस टाइप का करेक्टर फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है जी। हाँ, फिल्म का आज मुहूर्त था और हम लोग का आज फर्स्ट डे है शूटिंग का, और मुहूर्त काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, और हम लोग भी अपने फर्स्ट डे के हिसाब से आज हम लोग तैयार हुए हैं और पूरे जोश में खड़े हुए हैं आप लोग के सामने। आज फर्स्ट डे शूट करेंगे। जी हाँ, धीरज जी मुन्नालाल जी के साथ मेरी पहली फिल्म है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। फर्स्ट डे है लेकिन आज सब हम लोग मिले हैं, और जितने भी लोग हम लोग मिले, इकबाल जी हैं हमारे डायरेक्टर जो हैं, हम सबकी एक अच्छी टीम बनी हुई है और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ धमाल करने वाले हैं। इकबाल जी के बारे में क्या कहेंगे? इकबाल जी के साथ मेरी पहली फिल्म है ये, और लेकिन जितना भी मैं उनके बारे में जानती हूँ, वो बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और अच्छे इंसान भी हैं। अब उनके साथ देखते हैं अभी आगे आगे कैसी कैसी ट्यूनिंग्स बनती हैं, कैसा काम करते हैं। जी, मनोज टाइगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये फिल्म लिखी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मेरे लिए भी लिखा है इस फिल्म में। पूरी फिल्म के बारे में तो लिखा ही है, बट मैं चाहती थी कि वो कभी मेरे लिए भी लिखें, तो मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का, इसमें उन्होंने लिखा है मेरे लिए भी। इकबाल जी, मैं भी आऊँगा। इकबाल जी, प्लीज। दर्शकों से मैं ये कहूँगी कि बहुत टाइम बाद मैं वापस आई हूँ, और ये मेरी एक नए लुक की डिफरेंट फिल्म है, और ये पूरी एंटायर फिल्म जो है वो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, आप लोग के लिए ही बन रहा है, आप लोग को ध्यान में रखते हुए बन रहा है। इसमें सारे मसाले दिए गए हैं जिसमें आप लोग एक बार जाएं स्क्रीन पर देखें अगर थिएटर में, तो खुश होकर बाहर निकलें कि कुछ अच्छा और अलग आया है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये फिल्म जाके जब भी रिलीज़ होती है देखें, और मेरे काम को फिर से सराहें जैसे पहले सराहा था। नए लुक और नए अवतार में मैं कैसी लग रही हूँ उसको आप देखें समझें, और पसंद आता है तो मैं कुछ ना कुछ नया करती रहूँगी। थैंक यू।